हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नारियल और नारियल की उपयोगिता के बारे में। नारियल एक बहुत ही गुणकारी और उपयोगी फल है। बहुत सारे अच्छे गुण इसमें होते हैं। नारियल का फल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसका तेल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और इसका दूध के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कच्चा नारियल और सूखा नारियल यानी कि नारियल की जो गिरी होती है उसका भी प्रयोग स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। नारियल को दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जाता है और दोनों ही रूपों में इसके जो गुण हैं वो कम नहीं होते। नारियल का तेल निकाला जाता है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यदि आप नारियल के तेल से बना हुआ खाना खाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही कच्चा और पका हुआ दोनों ही प्रकार का नारियल अगर आप खाते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए नारियल कितना ज़्यादा फायदेमंद है। यदि आप रोज़ नारियल का सेवन करते हैं, कच्चा या पका हुआ नारियल का सेवन किसी न किसी रूप में करते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। शुगर जिन लोगों को होती है उन्हें नारियल का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नारियल इंसुलिन बनाने में मदद करता है और ब्लड में जो ग्लूकोज का स्तर है उसे नियंत्रित रखने में काफ़ी फायदेमंद होता है। तो कच्चा नारियल यदि आप खाने में शामिल करते हैं, कच्चे नारियल से बनी हुई डिशेस अगर आप शामिल करते हैं तो शुगर के पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। फाइबर और खनिज भी पर्याप्त मात्रा में इसमें मिल जाते हैं, तो उन लोगों को ज़रूर नारियल का सेवन करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी नारियल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एंटीवायरल, एंटीफंगस और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। नारियल का तेल से बना हुआ खाना यदि आप खाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया से लड़ने में मदद मिलती है आपको। संक्रमण को के खतरे को भी दूर करता है। स्किन इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का यदि होता है तो उससे लड़ने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके साथ ही पेट संबंधी जो समस्याएं हैं उनको भी दूर रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो नारियल का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही नारियल से के तेल से बना हुआ जो खाना है वो अगर आप खाते हैं तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ऊर्जा का पर्याप्त स्रोत होता है ये। इसमें फैट की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है और इसमें जो बना हुआ फैट होता है वो आपको ऊर्जा बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। बहुत ही अच्छा होता है यदि आप किसी और तेल की अपेक्षा नारियल के तेल से बना हुआ खाना खाते हैं तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है। थायराइड के पेशेंट को भी इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। लंबे समय तक जिन लोगों को बीमारियां बनी रहती हैं उन लोगों को नारियल से तेल से बने ही खाने का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, नारियल को अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर आप खाते रहते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जिन लोगों को ज़्यादातर हमेशा बढ़ जाती है उन लोगों को ज़रूर नारियल का सेवन करना चाहिए। कच्ची नारियल का सेवन करना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। हड्डियों और दांतों के लिए नारियल का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। साथ ही अगर आप नारियल को चबाकर खाते हैं तो इससे आपके दांत स्वस्थ और मजबूत बनते हैं और हड्डियों को भी मजबूत और स्वस्थ रखने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। त्वचा के लिए भी नारियल काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। एंटी एजेंट तत्व होते हैं इसमें जो कि काफ़ी हमारे स्किन इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। बहुत सारी एंटी एजेंट क्रीम में नारियल का प्रयोग किया जाता है, नारियल के तेल का प्रयोग किया जाता है और हमारी त्वचा को साफ रखने में, सुंदर और मुलायम बनाने में, उसमें नमी बनाए रखने में भी नारियल काफ़ी हेल्पफुल होता है। बहुत सारी क्रीमों में भी नारियल के तेल का ही प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी लिप बाम में भी नारियल के तेल का प्रयोग किया जाता है लिप बाम बनाने में, तो ये हमारी लिप्स को भी काफ़ी नमी पहुंचाते हैं और उसे कोमल और मुलायम बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। त्वचा को साफ़ रखने में और उसे मुलायम बनाने के लिए आप यदि कच्चे नारियल का सेवन करते हैं या पके हुए नारियल का सेवन करते हैं तो इससे आपकी स्किन भी स्वस्थ रहती है, टाइट रहती है और आपकी स्किन में जैसे रैसेस, खुजली या किसी भी प्रकार की स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्या होती है तो वो नहीं होती। तो जिन लोगों को हमेशा ही स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्या बनी रहती है उन लोगों को नारियल का सेवन ज़रूर करना चाहिए और अपनी त्वचा में नारियल का तेल लगाना चाहिए। इससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर अच्छा रहता है। इससे रोज़ाना अगर आप नारियल का तेल लगाते हैं अपने शरीर में तो आपके शरीर में ऑक्सीजन बनी रहती है और रोम छिद्रों से ऑक्सीजन की जो इंसुलेंस है वो अंदर और बाहर होता रहता है। तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है नारियल का तेल प्रयोग करना। यदि आप नारियल तेल की मालिश अपने शरीर में करते हैं तो ये भी आपके शरीर को स्वस्थ और चमकदार बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है।
बालों के लिए ही नारियल का सेवन करना काफ़ी अच्छा होता है। जो लोग हमेशा ही नारियल का सेवन करते हैं उनके बाल हमेशा चमकदार, मुलायम और खूबसूरत रहते हैं। बालों में यदि आप नारियल के तेल का प्रयोग करते हैं, अगर आप नारियल तेल से मालिश करते हैं अपने बालों की और हमेशा बालों में नारियल का तेल यूज़ करते हैं, तो उनके बाल जल्दी से जल्दी लंबे होते हैं, घने और काले भी होते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा होता है। विटामिन के की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है नारियल में और नारियल के तेल में। तो नारियल हर प्रकार से आपके शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, आपकी त्वचा को खूबसूरत बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो बहुत सारे एंटी डैंड्रफ जो शैम्पूज़ होते हैं उनमें भी नारियल का प्रयोग किया जाता है, नारियल के तेल का प्रयोग किया जाता है, जो कि बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, बालों को नरिश करने में मदद करते हैं। तो आप नारियल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।